हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम के बारे में। दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम सितंबर में होने वाले हैं, और जिन लोगों ने सितंबर में अपीयर नहीं होना है, दिसंबर में अपीयर होना है, वो सभी बेहद कन्फ्यूज्ड हैं। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के जो इग्नू के पेपर हैं, उसमें जो 4 पेपर्स हैं, मेक 1 से लेके मेक 4 तक के, उसमें 2 और 3 तो बहुत इजी है, लेकिन 4 भी टेक्निकल है, वो पढ़ा जा सकता है। लेकिन MEG 1 जो है बहुत लंबी है, इसकी जो पोइट्रीज हैं बहुत ज़्यादा हैं, पोइट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक एक ब्लॉक में एटलीस्ट 2 to 4 पोइट्स दिए हुए हैं, और एक पोइट की पोइट्रीज भी बहुत सारी दी हुई हैं, लंबी लंबी पोइट्रीज भी हैं, शॉर्ट पोइट्रीज भी हैं। तो सभी के सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि हमें कौन कौन सी पोएम करनी है, कैसे करनी है, और क्योंकि एग्ज़ाम दिसंबर में है और उन्होंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने अभी शुरुआत भी नहीं की है, वो मुझे पर्सनली मैसेज करके बोल रहे हैं कि मैम प्लीज़ बताइए कैसे करें हम, और कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें कि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी, जिसे फॉलो करके आप बहुत इजी वे में अपने एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हैं, और अगर बहुत लेंदी सिलेबस लेना चाहेंगे तो आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे और आपके लिए हैक्टिक भी हो जाएगा। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें कि आप अपने सिलेबस को सामने रख लें, और मेक 1 के लिए आपको क्या करना है कि आपको पहले हर एक ब्लॉक से अपने पोइट्स को सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ब्लॉक में अगर दिया हुआ है, ब्लॉक 1 में तो सिर्फ चौसर हैं, ब्लॉक 2 में स्पेंसर हैं, वो आप स्किप नहीं कर सकते हो, आपको पता है, ठीक। दूसरे जो ब्लॉक्स हैं, जस्ट लाइक ब्लॉक 3 और 4, उसमें 2 या 3 पोइट्स दिए हुए हैं, तो आप जो इम्पॉर्टेंट पोइट्स हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए, उनकी इम्पॉर्टेंट जो पोएम्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बने हैं, और जिसके मैटर अवेलेबल हों ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पे या गूगल पे, जहाँ पे भी उसके मैटर अवेलेबल हो, आप उन्हीं को सेलेक्ट करें जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी तरीके से आप आगे के भी ब्लॉक्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरे ब्लॉक में भी आप सेम वे में प्रिपेयर करें, पोइट्स को सेलेक्ट कर लें जो इम्पॉर्टेंट हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से पोइट इम्पॉर्टेंट हैं? तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स निकाल लेने हैं, RTC और क्वेश्चन बेस्ड जो भी आते हैं, उसमें से आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करने हैं। अगर आपको उसमें इश्यू हो रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैम हमें ढूंढने में डिफ़िकल्टीज हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमने पोएट्री पढ़ी नहीं है, तो कौन सी RTC किससे पूछी गई है हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको सेलेक्ट करके सब चीज़ें बाई नेम, कौन सी पोएट की हैं, कौन सी पोएट्री है, कब पूछी गई है, RTC के साथ में आपको देने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आपके कमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना कमेंट मुझे करेंगे मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो तैयार करके लेके आऊँगी। और आप इसको बाय सेल्फ भी कर सकते हैं, जैसा मैं बता रही हूँ कि आप 10 ईयर्स के पेपर्स ले लें, वहाँ से RTC सेलेक्ट कर लें और देख लें कि कौन कौन सी RTC किससे ज़्यादा पूछी गई है। जो मेन चीज़ क्या होता है कि पोइट्री में जो स्टार्टिंग के लाइन्स होते हैं, स्टार्टिंग के स्टांजास होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और लास्ट की जो एंडिंग स्टांजा होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बीच में कोई कोई स्टांजा जगह जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है या लाइन इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन कभी भी आपने देखा होगा RTC में जो लाइनें उठाई जाती हैं, मे बी वो 2 लाइन ही क्यों ना हो, 10, 4 लाइन या 6 लाइन ही क्यों ना हो, वो हमेशा तभी उठाई जाती है, 2 लाइन भी तभी उठाई जाएगी जब वो 2 लाइन प्रॉपर एक मीनिंग बनाती होगी, ठीक है, और जिसमें मेटाफर वगैरह ज़्यादा यूज़ रहते हैं वो भी ज़्यादा उठाया जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन उठाई जाती है, या फिर अगर 5-6 लाइनें भी उठा रही हैं तो उन 5-6 लाइनों में एक प्रॉपर मीनिंग होता है अपना, तो आप इस बेस पे भी देख सकते हैं। दूसरी चीज़, आपने RTC सेलेक्ट कर ली, किस पोएट की है वो सेलेक्ट कर ली, कुछ पोएट तो ऑलरेडी इतने इंपॉर्टेंट है जैसे चौसर, स्पेंसर, मिडल्टन, और ये सारे पोएट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पोएट्री पूछी जाती हैं, तो आप वहाँ से ये देख सकते हैं कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं इंपॉर्टेंट है, और इस तरीके से आप पोएट सेलेक्ट कर लें। प्लीज़ आप सारे पोएट सेलेक्ट ना करें, और जो भी पोएट सेलेक्ट करें उनकी सारी पोइट्रीज भी सेलेक्ट ना करें, क्योंकि आप उसको कर नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आप कभी भी एक पोएट सेलेक्ट करें तो उनकी जो इंपॉर्टेंट पोइट्री है, क्वेश्चन बेस्ड
पे आप देख लें और उन्हीं पोएट्रीज को करने की कोशिश करें, और उनके मैटर अवेलेबल है या नहीं ये भी चेक कर लें आप ऑनलाइन, ठीक है। अगर आपने डिफ़िकल्टीज हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि मैम वो भी आप मुझे करके दीजिए, तो मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपसे स्किप न होने पाए इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और आपका जितना सपोर्ट रहेगा उतना हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए भी हम हेल्पफुल